आंटी जी, मनी अंकल कितने जी? ओ अंदर। मैं इसकी शक्ल नहीं देख रही, ये की कर रहे थे? इन्हें बाहर कटो, दूर ले जाओ इन्हें मेरे तो। चला यार, मणि दोस्त मेरी गलत सुन यार। मेरा कोई दोस्त नहीं है, दूर हो जा मेरी नजर तो, मैं तेरी कोई गल नहीं सुनना चाहता, जा चले जा तो। हाँ, मनिंदर जी। शुक्र है गुरमन तू आ गई, क्या है नू? दूर हो जा मेरी नजर तो। अपना दोस्त नहीं है गुरमन, दोस्त इदा नहीं करते, कह नू चले जा तो। मनिंदर जी प्लीज प्लीज तुसी शांत हो जाओ, तुसी रेस्ट करो, इन्ना गुस्सा तुहाडी सेहत लई ठीक नहीं है। नहीं गुरमन, मैं इस बंदे दी शक्ल नहीं देखना चाहुंदा, कह नू चले जा तो। मणि यार गलती होगी मेरे तो, मैं तेरे तो माफी मांगनी आ रही सी, पर अचानक मेरी गड्डी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मणि यार माफ कर दे यार मैनू। नहीं मैं तेरी कोई गल नहीं सुननी, ते ना ही मेनू तेरी कोई गल ते भरोसा है, जे चले जा तू। गुरमन तू सिक्योरिटी नु बुला, ओ इस आदमी नु बाहर कट सकते ने। गुरमन साबे दे बहाने ने, बहुत बुरा इंसान है गुरमन। ठीक है मनिंदर जी, तुसी जिवें कहोगे मैं उवें करूंगी, प्लीज तुसी शांत हो जाओ, तुहानू रेस्ट दी लोड़ है, इन्ना गुस्सा तुहाडी सेहत लई नहीं ठीक, वो भी समझा इन्हां नू। मनी अंकल तुसी प्लीज शांत हो जाओ, तुसी तां आप कहंदे हो कि गुस्सा करन नाल ना सेहत ते हानिकारक असर हुंदा है, तुसी प्लीज गुस्सा ना करो, नहीं तो थोड़ी हेल्थ होर खराब हो जानी है। अंकल जी हुण तां अंकल भी बाहर चले गए ने, प्लीज तुसी मड़ जा रिलैक्स हो जाओ। प्लीज गुरमन मैनू समझण की कोशिश कर, मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैनू पता है शम्मी तू इदां दा कुछ भी नहीं कर सकता, मैनू तेरे ते पूरा यकीन है, पर शायद मनिंदर जी दे दिल नू बहुत वड्डा धक्का लगा है सब नाल, ता ही ता इन्ना हाइपर हो रहे हैं वो। उदा गुस्सा जायज है, पर कोई नहीं मैं अपने दोस्त नू पक्का मना लवांगा। शम्मी जे मैं एक गल कहां ता तू मनेगा? हाँ हाँ बोल गुरमन। बच्चों का दिल ना तोड़ शम्मी, होण दे उन्हां दा व्याह, मनिंदर जी नू मैं आपे मना लवांगी, ये दिलां दे रिश्तियां नू इदां ना टुटण दे प्लीज। गुरमन तू किसी भविखबाणी नू मन भावें ना, पर मेरे लिए तेरी जान तो वध के कुछ नहीं, मैं तेरी जिंदगी नाल इन्ना वड्डा रिस्क नहीं ले सकता। एंड प्लीज तू भी इज्जत छड़ दे, मैं इन्हां दोनों के विआह लई कदे राजी नहीं हो सकता। कीरत शांत हो जा यार, मनी अंकल नु कुछ नहीं होना, ट्रस्ट मी। हाँ यार। कोई गल नहीं आंटी जी। कीरत की कर रही है यार, इन्नी काली ना मचा, तेनु सट लग जानी है। सरताज जी पापा नु कुछ हो गया? नहीं 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 पापा नु कुछ नहीं होएगा, पापा जी पापा नु कुछ नहीं होने देंगे ना। हाँ कीरत तू पापे ही तो भरोसा कर, मनी अंकल नु कुछ नहीं होना, ट्रस्ट मी।
बॉबी अंकल जी मैं मर जाएगा। हाँ जी आंटी जी। बॉबी तू मनिंदर जी दे एक्सीडेंट बारे किनू किनू दस्या? मैं जी सरताज नू कॉल लाया सी पर ओह तां फोन कदे लगदा ही नहीं। फिर मैं सारा नू दस्या सी उन्हें शायद अगे कीरत नू दस्या होना। पर तू ये तां नहीं दस्या ना कि ये एक्सीडेंट होया किवें आ? ना जी ये तां नहीं दस्या। शुक्र बॉबी हुण तू मेरी गल ध्यान नाल सुन। कीरत नू ये गल कदे नहीं पता लगनी चाहीदी कि मनिंदर जी दा एक्सीडेंट शम्मी करके होया। क्यों जी? जे उन्हें पता लग गया तो उन्हें पता नहीं की कर देना। मैनू पता शम्मी ने जानबूझ के नहीं किया पर हो सकता कीरत यह गल ना समझे। ऑलरेडी दोवें फैमिलीज बहुत सारिया गलत फहमियां बढ़ चुकी हैं बॉबी ते मैं नहीं चाहती कि इस तो बाद यह रिश्ते हमेशा हमेशा लिए खिंड जाए। आंटी जी तुसी टेंशन ना लो कीरत में इस गल का कदे पता नहीं लगेगा। मैं मजक आंटी जी ठाल रंगी बाबा का कुछ पता चलिया? जे वो फड़े गए ना तो साडा बनया बनाया खेल खत्म हो जाना है। प्रभजोत दे हुंदिया ना ये खेल कदे खत्म नहीं हो सकता। विचारी कीरत ने चाल तो बहुत सोहनी चली सी पर अफसोस ओदी ये चाल भी मेरे सामने फिक्की पै गई। हुण ओह लाल रंगी बाबे नूं कदे भी लभ नहीं सकेगी। पर ओह किवें आंटी जी? क्योंकि लाल रंगी बाबा मेरे कोल है। लाल रंगी बाबा नूं ऐसी जगह तो लुकाया ना जिथे किसी चिड़ी नूं भी उन्हां दी खबर नहीं लगेगी। कीरत भावें सारा शहर छान मारे पर वो किसे जन्म विच भी लाल रंगी बाबे तक पहुंच नहीं सकेगी। पर तुसीं लाल रंगी बाबा नूं लुकाया कित्थे? जे तेरा दिमाग थोड़ा जा भी तेज है ना तो गैस करके बखा। पर आंटी जी मेरा तुहाडे जिना दिमाग कित्थे? प्लीज दसो ना कित्थे लुकाया लाल रंगी बाबा ने? साडे स्टोर रूम च। कीरत अपने आप नूं बहुत स्मार्ट समझदी है ना। वह सारे शहर च बाबे नूं लभेगी पर वह साडे घर च कदे भी कोशिश नहीं करेगी। पर आंटी जी जे शम्मी अंकल या फिर सरताज ने उन्हां नूं देख लिया फिर? क्यों भोलियां गल्लां करदी है अशप्रीत? उस रूम च साडे चों कोई भी नहीं जांदा। वह रूम हमेशा ही लॉक्ड रहिंदा है। वैसे भी अगले दो दिन के अंदर तेरा व्याह सरताज नाल हो जाएगा। कल एंगेजमेंट ते परसों व्याह। फिर इस टेंशन तो हमेशा हमेशा ली मुक्ति। वाह आंटी जी यू आर सो स्मार्ट। तुसी ता कीरत तो भी बहुत स्मार्ट निकले। आई एम प्राउड ऑफ यू आंटी जी। मम्मी की होया पापा नूं? किवें हो गया सब? शुक्र है इन्हें कुछ नहीं सुनिया। मम्मी दसो ना किवें होया सब? ठीक ने पुत्र वो अंदर वार्ड च ने। सरताज तू ना जाई पुत्र तेनू देख के मनिंदर जी नूं होर गुस्सा आ जाना।
वैसे काफी ठीक ने हुण उह। ज़्यादा सट्ट नहीं लगी पर फिर भी उन्हां दा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तू मेरी गल नूं समझेगा पुत्तर। जिंदगी किहो जे मोड़ ते लिया के खड़ा कर दिंदी है। ओ मनी अंकल, जिन्हां नूं मैं हमेशा अपने डैड वांगू मन्निया, अज इस कंडीशन च मैं उन्हां नूं मिल भी नहीं सकता। जिंदगी किहो जे रंग दिखा रही है, मैनूं एक पुत्त नूं उहदे बाप नाल मिलन तों रोकना पै रहा। तू यही गल कर रहा, मैं तुम्हें करता, मैं तेन भी नहीं छड़ूंगा, तेन भी नहीं छड़ूंगा। मैं समझदा आंटी जी, फिलहाल शायद मनी अंकल सानू उन्हां दा दुश्मन समझते हैं, पर इदां तां बिल्कुल भी नहीं। तुसीं ये सब छड्डो, पहले मैं आ दसो कि आ सब होया क्या। मनी अंकल की हालत जिन्हें भी की है ना, मैं उन्होंने जानों मार दूंगा। बस एक बारी दस दो कि वो बंदा कौन है। सरताज, तू किसे गली दे गुंडे वांगू गल क्यों कर रहा है? तू ये ना बोल, तू शम्मी दा मुंडा है, तू एक शरीफ घर दा सियाणा मुंडा है। तेरे मुंहों ये गल्लां चंगियां नहीं लगदियां पुत्तर। जे तेनू लड़न दा इन्ना ही शौक है ना, तो अपने प्यार लई लड़ना। समझा जाके शम्मी नू कि ओह भविखबाणी झूठी है, ते जे हो सके तो खुद भी समझ पुत्तर। तुहाडे हिसाब नाल मेरी जान नू खतरा है ना, पर मैनू तां कोई फर्क पै ही नहीं रहा। फिर तुहानू इन्ना फर्क क्यों पै रहा पुत्तर? इस गल नू समझण दी कोशिश कर। आंटी जी, तुहानू फर्क पवे या ना पवे, पर मैनू इस गल नाल बहुत फर्क पैंदा, क्योंकि तुहाडी जान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बॉबी हुण इत्थे तुहाडे नाल ही रहेगा, पर फिर भी जो तुम्हें किसी चीज की लोड़ है प्लीज मैं दस दौ। पापा, तुम्हें सट कि लगी? बॉबी, डॉक्टर ने की किया? किरत, डरन की कोई लोड़ नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अंकल नूं कुछ नहीं होगा, ये ठीक नहीं। पापा, सब होया किवें? पुत्र, मैं सड़क ते जा रहा सी, मैनू पता नहीं लगा पिछों किसी गड्डी ने मारता। अज मनिंदर जी ने साबित कर दिता कि वह शम्मी नूं हाले भी अपना दोस्त समझते हैं, इसलिए उन्होंने किरत के मन च शम्मी लई कोई गलत ख्याल नहीं आन दिते। ये दिलों के रिश्ते हाले भी कायम ने, ते हमेशा कायम रहेंगे। तेनू पता किरत, मनिंदर जी की जान किने बचाई? किने मम्मी? शम्मी ने। मनिंदर जी लई ब्लड डोनर भी शम्मी लभ के लियाया, ते उन्होंने हॉस्पिटल भी उही लेके आया। पर मैं तो शम्मी नूं इन्ना कुछ गलत बोल के हटिया, ते उन्हें मेरी जान बचाई। बाबा जी, ये मेरे तो की हो गया? शम्मी नूं मेरी गल कितनी बुरी लगी होएगी। जिस इंसान नूं तुसी सारे रिश्ते तोड़न की धमकी देके आए सी ना, उन्हें तुहानूं नवी जिंदगी दित्ती है। मनिंदर जी, अज उहदियां अखां च मैं तुहानूं गवाउण दा डर वेख्या। अज फिर शम्मी ने साबित करता कि उहदे वर्गा दोस्त सानू किते नहीं मिल सकता। किसे नू सिर्फ दोस्त कहना ते दोस्ती निभाउणा, इन्हां दोवां गल्लां च बहुत फर्क है। मनिंदर जी, रिश्ते निभाउण च उमरां लंघ जांदियां ने, ते खत्म खत्म करन लगे एक सैकेंड भी नहीं लगता। मनिंदर जी, हुण सारा कुछ साडे हथ च। मैं स्वर्ण अंकल ना कीता वादा नहीं टुटन देऊंगी। कोई चाहे कुछ मर्जी कर ले, पर मैं इन्हां दोवां परिवारां नूं नहीं टुटन देवांगी। मनिंदर जी, पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे ने। शायद असीं शम्मी अंकल नूं पहचानन च गलती करती।
हुण फैसला तुहाडे हाथ च है, तुहानू उहनां दे नाल रिश्ता जोड़ के रखना है या नहीं। एक साइड बचपन की दोस्ती है तो दूजी साइड मेरी बच्ची की जिंदगी, मैं केड़े राह जावां मैनू तां कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाबा जी थोड़ी तबीयत तो ठीक है? बच्चा मैं घबराहट बहुत हो रही है। बाबा जी तुसी फिकर ना करो, मैं थोड़े लिए मेडिसिन लिया के रखी है, तुसी पहले खाना खा लो फिर मेडिसिन खा के तुम ठीक लगेगा। बच्चा तुसी मैं अपने घर रख के चाल तो बहुत वधिया चली है, पर तुसी मैं होर इतने कि रखोगे? मेरा इतने दम घुटदा। बाबा जी सिर्फ दो दिन च विआह हो जाएगा फिर तुसी आजाद हो, जिथे दिल करता तुसी जा सकते हो, पर तुहानू हुण साइलेंटली इत्थे रहना पएगा। तुसी इदां करो जो तुहानू चाहिदा मैनू मैसेज कर देना, पर अपना फोन साइलेंट रखना, किसी नू पता नहीं लगना चाहिदा कि तुसी इत्थे छुपे हुए हो। जिवें तुहाडा हुकम बच्चा। मॉम लगता सरताज आ गया, मैं हुणी आई। मॉम तुसी इत्थे की कर रहे हो? बंद कमरे च तुहाडा की काम है? ओ पुत्तर मैं तेरे ब्याह दी डेकोरेशन दा समान देखण आई सी, मैनू लग्गिया कि स्टोर रूम च पिया होना, पर इत्थे तां कोई चाहीदी चीज मिली नहीं। तुसी मैनू दस दिंदे मैं दस देणा तुहानू समान कित्थे पिया। लिओ चाबी दिओ मैनू। नहीं पुत्तर अंदर ना बहुत डस्ट है, अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, अपा ना नवा समान ले आवांगे। मॉम इन्नी की धूड़ मिट्टी ना कुछ नहीं होंदा, आओ चलो। हो पुत्तर मैं की सोच रही सी कि अपा पुराना समान यूज नहीं करना, अपा नवा ही लेके आवांगे, या पैदा कर दे अपा एक डेकोरेटर हायर कर लेने, ठीक है ना? अच्छा तू इन्नी उच्ची आवाजा क्यों मार रहा सी? ओ मॉम मैं तो डैड नू लभ रहा सी, मैं कदों तो उन्हां दा फोन ट्राई कर रहा, फोन ही चक रहे। किरे तेरे पापा मनी दे घर उसको माफी तो नहीं मंगन चले गए? नहीं मॉम वो उत्थे नहीं होने, मनी अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल च है। ये कैसे हो गया? मनी ठीक तो है ना? तुसी ते मनी अंकल नू नफरत करते हो ना, उन्हां नाल रिश्ते खत्म करन दी गल करदे हो, फिर अचानक तुहानू उन्हां दी इन्नी फिकर क्यों लग गई? मैनू प्रॉब्लम सिर्फ गुरमन तो सी, वो भी उदो जो वह मेरे नाल रहिंदी सी, मनी तो मैनू कोई शिकायत सी ही नहीं, ते हुण मैनू नफरत उस कीरत तो है क्योंकि वह मेरी कदी रिस्पैक्ट नहीं करती, ते ना ही वह किसी इज्जत दे लायक है। कीरत वर्गी कुड़ी नाल सिर्फ नफरत की जा सकती है। हुण दस मनी ठीक तो है ना? हाँ मोमो ठीक ने, एक गल अड है कि गुरमन आंटी ने मैनू उन्हां नाल मिलन नहीं दिता, पर मैं बॉबी नूं उत्थे उन्हां दी टेक केयर वास्ते छड के आया। तू मैनू बहुत बुरा समझदा है, पर तेरी माँ इन्नी बुरी नहीं है, वाहिगुरू दा शुक्र है कि मनी ठीक है। हाँ जी मोम बहुत टेंशन हो गई सी। टेंशन तो हो ही जाती है, पर शुक्र है तू बॉबी नूं तो छड के आया। एक बॉबी तो है जो साढ़े हर दुख सुख च खड़ता है, इहो जिहे दोस्त ना बहुत किस्मत वाले मिलते हैं।
चल आप चलिए तेरे पापा ने लपड़ा है ना तेरे पापा ने तो पता लगे कि मनी का एक्सीडेंट हो गया वो जाके हाल चाल पूछ आएंगे।